वेलकम बैक एवरीवन, द ऑफिसर्स एकेडमी के करंट अपडेट में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है सेंटर अलाउज कोऑपरेटिव्स टू सेल प्रोडक्ट ऑनलाइन। जान लेंगे यह चर्चा का विषय क्यों रहा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सहकारी समितियों को जेम प्लेटफॉर्म पर उत्पाद बेचने की अनुमति देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हालांकि सहकारी समितियों से वृद्धिशील लागतों को कवर करने के लिए लेन देन शुल्क लिया जा सकता है। जानेंगे जेम के बारे में। जेम की शुरुआत 2017 में हुई थी। यह आम उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए एक वन स्टॉप पोर्टल है। पोर्टल सभी सरकारी खरीददारों, संघ और राज्य मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, स्वायत्त संस्थानों, स्थानीय निकायों आदि के लिए खुला है। निजी खरीददार प्लेटफॉर्म पर नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन निजी लोग पोर्टल के माध्यम से सरकारी निकायों को उत्पाद बेच सकते हैं। सहकारिता मंत्रालय के अध्यक्ष श्री अमित शाह हैं। उन्होंने कहा कि जेम सहकारी समितियों को पारदर्शी तरीके से उत्पाद बेचने का अवसर प्रदान करेगा। इससे 8.5 लाख सहकारी समितियों से जुड़े 27 करोड़ लोगों को लाभ होगा। सूक्ष्म और मध्यम लघु उद्योगों को खरीदार मिलेंगे और यह वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की संभावनाओं को बढ़ावा देगा। आज का हमारा सवाल है, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस जिसे हम जेम कहते हैं, उसकी शुरुआत कब हुई थी? जिसका सही उत्तर है डी, 2017 में। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही कंटेंट प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए द ऑफिसर्स एकेडमी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं।